क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम। अच्छा, जो ग्राम प्रधान है वो कौन है? देश नबी। आपकी कौन है? पत्नी। अच्छा, लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है ग्राम पंचायत कार्यकाल को, तो 3 साल के कार्यकाल में आपकी पत्नी द्वारा क्या क्या गांव में विकास कार्य कराए? विकास कार्य काफी विकास कार्य हुए हैं गांव में। अभी जल्दी में अभी हम 215 शौचालय लाभार्थियों को दे चुके। अच्छा अच्छा। और 16-17 हमारे आवास भी सिंधौली में लाभार्थियों को बन चुके हैं। और प्लस हमारा और भी काम चल रहा है, जैसे सुंदरीकरण कस्तूरबा के सामने। अच्छा। प्राइमरी स्कूल के सामने बहुत गंदगी रहती थी, घूरे वगैरह करकट सब से साफ साफ करा दिया, वहाँ भी सुंदरीकरण होगा। एक हमारे पंचायत घर के सामने पशु चिकित्सालय की जगह है, वहाँ भी बहुत गंदगी थी, उसको भी इस बार हमने सब साफ सफाई कराने की मंजूरी करा ली है। और RCC रोड भी जहाँ जहाँ अनिवार्य पड़ने थे वहाँ भी करीब 37 रोड हम डलवा चुके हैं गांव में। और अभी आवास हमारे और 37 आवास लाभार्थियों को मिलने वाले हैं, जो जो आवास जिसके रह गए हैं बनने के लिए उनकी किस्तें रह गई वो भी सब पूरे हो चुकी हैं। शौचालय की पूरी किस्त आ गई है क्या अभी? शौचालय की पूरी किस्तें आ गई, जो एक दो लोगों की रह गई वो भी अब आने वाली है। अच्छा प्रधान जी, ये बताएं कि सौंदर्यीकरण जो आप कराएंगे, किस प्रकार का सौंदर्यीकरण विद्यालय के आसपास कस्तूरबा के आसपास कराएंगे, जरा उसकी वो व्यवस्थाएं बताएं क्या क्या करना है। सौंदर्यीकरण कराएंगे हम, पहले वहाँ बहुत गंदगी थी, घूरे करकट सब पड़े हुए थे, सब गांव के लोग डाल रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम सौंदर्यीकरण कराएंगे, सुरक्षा दीवार और प्लस वहाँ बैठने की स्थिति, बेंच भी बनवाएंगे और वो लोग बैठ सकें। जी जी, वहाँ बैठ चुके हैं, बहुत साफ सफाई व्यवस्था, अभी तो मट्टी डल गई है हमारी। अच्छा। अभी एक महीने के अंदर अंदर सारा काम जो है अड्डे पे बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, और अड्डों के दोनों साइड में जो हमारे गंदगी रह रही है वहाँ पे इंटरलॉक भिजवाएंगे, और जहाँ से हमारी सिंधौली का जो है माल शुरू होता है वहाँ पे एक गेट भी बनवाना चाहते हैं हम, कि हमारा जो है सिंधौली पे आप सबको का आगमन है, जो लोग भी आए हैं वो पता लगे कि हाँ ये ग्राम पंचायत सिंधौली है। अच्छा, अब समय 90 वर्ष और उसका 26 जनवरी का आ रहा है, तो अपने क्षेत्र व देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? 26 जनवरी और 90 वर्ष के हमारे क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत साफ सफाई के लिए क्या कहना? साफ सफाई, हमारे 2 सफाई कर्मचारी हैं हमारे गांव में। अच्छा। और हमारे गांव में सब यूटेप नाली है, सब बंद रहती है ज्यादातर, तो हमारी ये और है कि सरकार हमारी 1-2 सफाई कर्मचारी अगर और नियुक्त करा दें तो गांव में साफ सफाई बढ़िया होती रहेगी। वैसे हम प्राइवेटों से साफ सफाई कराते रहते हैं, तो प्राइवेटों से खर्चा भी ज्यादा आता है समझे, फिर बंद नाली यूटेप या तो एल टाइप नाली हो, तो ये हर आदमी अपने अपने हिसाब कर लेगा, तो उठाए सफाई कर्मचारी जो है अपने कूड़ा उठाया और डाल दिया उन्होंने, ले जाएगा। पॉलीथीन जो आपके ज्यादा प्रयोग हो रही है, इसके लिए आपके संदेश जनता को देना चाहते हैं? जब से सरकार ने जो है ये लागू किया है पॉलीथीन बंद होगी, जब से बहुत कम प्रयोग हो रहा है, अब कुछ ज्यादा खास करके प्रयोग नहीं हो रहा है पॉलीथीन का। वैसे भी हमने ये मना कर रखा है कि कहीं भी कूड़ा करकट ना करें गंदी, और साफ सफाई बढ़िया बना करें। दूसरे, आपके एक हार्ट पैड आई है, हार्ट पैड है, जो हार्ट पैड में जो चबूतरे बने हुए हैं, तो ये लोग सड़क पर बैठ जाते हैं सब्जी बेचने वाले, इनके लिए आप अपने स्तर से क्या आप वो कर रहे हैं, इनको क्या सुविधाएं दे रहे हैं, और इनकी जो चबूतरे बैठने के लिए इनके लिए क्या अपील की है आपने? ये अपील ये, जो हमारे जैसे मेन रास्ता है ट्रैक्टर ट्राली या डल्लब भैंस जो भी निकलते हैं, वहाँ पे अगर किसी ने चौतरिया जैसे बनाई रखी है और वहाँ निकास में अगर कमी हो रही है तो वो तो सब तोड़ी जाएंगी। और जो जैसे गली मार्ग है, किसी का मकान अगर ऊंचा है और वहाँ अगर किसी आने जाने में कोई परेशानी कोई इतराज नहीं है, तो उसकी तो हमें चलो कोई व्यवस्था नहीं, जो बाजार आपकी बाजार के लिए हमारी जो बाजार है उस बाजार का चबूतरों पे जो वहाँ जो बैठ जाते हैं उसका बाजार का भी बाजार समिति से हमारे पास फोन आया था कि आपकी बाजार किस तरीके की है और थोक में मंडी चल जाएगी, तो हमने उन्हें बोला था कि हाँ ये काफ़ी प्रयोग है, 20-25 क्विंटल की खपत होती है, हफ्ते में 2 बार बाजार लगती है, जिसमें लोग बाहर बाजार लगाते हैं अंदर गंदगी फैली हुई है, तो उसका भी इस बार हम दीवार लगवा के और अंदर सुंदरीकरण सब साफ सफाई कराएंगे उसकी, और वहाँ लाइटें जो है नोएडा से लग चुकी है 9 लाइटें। ठीक।